हेलो दोस्तों, टुडे स्टॉक मार्केट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक ऐसे स्टॉक लेके आए हैं जो कि आज के दिन की बात करें तो लगभग 10% से के अराउंड में ये रिटर्न दिया है। और ये स्टॉक पिछले 6 मंथ में वो काफ़ी क्रैश हो चुका था, लेकिन यहाँ से इस स्टॉक में हमें ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी देखने को मिल सकता है, जैसे कि आज हमें देखने को मिला है। दोस्तों स्टॉक बहुत ही अच्छा है, लेकिन फ्यूचर में अगर इसमें अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा लगभग डबल से भी ज़्यादा हो सकता है आने वाले 1-2 सालों में। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करते हैं, इस स्टॉक में हमें लगभग 10% की अपर सर्किट देखने को मिला है। यह हम अपर सर्किट नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे 10% का रिटर्न हमें देखने को मिला है आज के दिन में। तो यहाँ पे अगर मैं पिछले 5 डे का अगर रिटर्न दिखाऊँ यहाँ पे, तो पिछले 5 दिनों में इस स्टॉक ने ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न दिया है। लगभग 20% से अधिक हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है पिछले 5 डे में। वहीं पिछले 1 मंथ की बात करेंगे, पिछले 1 मंथ में इस स्टॉक में हमें लगभग 2% से अधिक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसका मैं पिछले 6 मंथ की बात करें, तो यहाँ पिछले 6 मंथ में इस स्टॉक में हमें लगभग 44% से अधिक का गिरावट ही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है। लगभग 27% से अधिक का हमें गिरावट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ से पिछले 1 महीने से अगर बात करें या पिछले 5 डे का, तो यहाँ से इस स्टॉक में ज़बरदस्त तरीके से रिकवरी हो रही है। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पिछले 5 डे में हमें 20% के राउंड फिगर में यानी 19% से अधिक का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ से इस स्टॉक का मैं बात करूँ तो 145 का इसका टारगेट, मतलब जहाँ तक मैंने रिसर्च किया है इंडिकेटर के साथ में, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 मंथ, 1 या 1.5 मंथ के अंदर में हमें 145 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अगर ये 100 का लेवल क्रॉस किया तो। तो चलिए और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं मनी कंट्रोल की साइड पे इस स्टॉक से रिलेटेड। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन देखेंगे, यहाँ पे मनी कंट्रोल की साइड पे जैसे कि इसका अगर मैं बात करूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन का, तो यहाँ पे 1746 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं इंडस्ट्री के पी रेशियो को बात करेंगे तो 82.47 है, जो कि इस स्टॉक का पी रेशियो हमें कुछ भी नहीं यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं फेस वैल्यू की बात करेंगे तो इस स्टॉक का फेस वैल्यू 2 रुपये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए तो और भी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमें जून क्वार्टर का जो रिजल्ट आया था ना, बहुत ही इसका बेकार रहा था। जैसे कि मार्च 20 का यहाँ पर रिजल्ट 1442 करोड़ के सेल्स दिखाया था, जबकि जून क्वार्टर में लॉकडाउन का सिचुएशन था, वहाँ पे बिल्कुल सारे मॉल और दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से इसका सेल्स मात्र 85 करोड़ का हमें देखने को मिला। यहाँ से स्टॉक बिल्कुल एकदम क्रैश हो चुका था दोस्तों, क्योंकि सेल्स था ही नहीं, बिजनेस हुआ ही नहीं, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई। और लेकिन यहाँ से सारे चीज़ें ओपन हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो रहे हैं, मॉल ओपन हो रहे हैं, शॉपिंग सेंटर सारे ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमें दिसंबर क्वार्टर का अगर रिजल्ट बेटर देखने को मिलता है या सेप्टेम्बर क्वार्टर का रिजल्ट हमें अच्छा मिलता है, तो इस स्टॉक में हमें 145 का लेवल भी टच करते हुए बहुत ही कम दिनों में देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ आप इसके ऊपर आप लोग फोकस बनाकर रहो, ताकि इसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सके। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करेंगे जून 20 का, तो यहाँ पे लॉस में ही कंपनी दिखाया था, 347 करोड़ के लॉस दिखाया था, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की कुछ भी नहीं था। वहीं दोस्तों रिजर्व एंड सरप्लस देख लेते हैं कंपनी के पास कितना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस पिछले मार्च 19 से मार्च 20 में थोड़ा सा हमें गिरावट ही देखने को मिल रहा है रिजर्व एंड सरप्लस में। वहीं अगर डेब्ट की बात करेंगे कंपनी के पास में, तो यहाँ पे 1173 करोड़ का अदर लाइबिलिटी देखने को मिल रहा है। वहीं इस कंपनी के पास करेंट लाइबिलिटी लगभग 4400 से अबव का देखने को मिल रहा है दोस्तों, फिगर जो है करोड़ों में है। वहीं एसेट की बात करेंगे, तो यहाँ पे फिक्स एसेट दिन पर दिन कंपनी ग्रो कर रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे फिक्स एसेट की देखिए, यहाँ पे 18 में लगभग 1000 से भी नीचे था, यहाँ पे 19 की बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए लगभग 19 में इसका फिक्स एसेट जो था बढ़ गया था दोस्तों, और यहाँ पे हमें 1200 से एवप का देखने को मिल रहा था। वहीं में बात करेंगे यहाँ पे इसी बीच में हमें अगर यहाँ पे मार्च 20 की बात करेंगे, तो यहाँ पे 2699 करोड़ का फिक्स एसेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी दिन पर दिन ग्रो कर रही है, लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पे सेल्स हमको बिल्कुल डाउन फिगर में देखने को मिला था,
और यहाँ से कंपनी का अगर रिजल्ट अच्छा आता है देन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमें मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो प्लीज़ इसमें अगर मौका मिलता है आपको तो इसमें आपको जम के खरीदारी कर सकते हो ताकि शॉर्ट टर्म में शॉर्ट पीरियड में आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न मिल सके। वहीं अगर मैं बात करेंगे इसका प्रमोटर का होल्डिंग, तो इसमें लगभग 20% से अधिक का प्रमोटर का होल्डिंग है सेप्टेम्बर क्वार्टर में। वहीं मार्च में इसमें 45% से अधिक का होल्डिंग था। वहीं इसमें प्लेस की बात करेंगे तो इसमें 99.51% की प्रमोटर का शेयर जो है प्लेस है दोस्तों, गिरवी है। ये सबसे बड़ी बैड न्यूज है इस स्टॉक लेकर। यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 100% का राउंड में, मतलब आधा परसेंट ही नहीं है प्लेस प्रमोटर का शेयर। वहीं एफ आई की बात करेंगे तो 21% से अधिक इसमें होल्डिंग हमें देखने को मिल रहा है। वहीं टोटल डी आई की बात करेंगे तो यहाँ पे 46% हमें देखने को मिल रहा है। टोटल डी आई में दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड एंड अदर डी आई है। अदर डी आई यहाँ पे 38% से अधिक का होल्डिंग है, लगभग 39% की होल्डिंग बना के बैठा हुआ है। वहीं अदर्स की बात करें लगभग 12.5 के अराउंड में यहाँ पे होल्डिंग बना के बैठा हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों एन एस सी की साइट पर भी इससे रिलेटेड हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे 52 की हाई एंड लो। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए 52 की लो जो स्टॉक था 67 रुपये तक 13 अक्टूबर को आया था इसी मंथ में, जबकि पिछले साल 29 नवंबर को 52 की हाई जो बनाया था 400 मतलब 26 रुपये से अधिक का बनाया था दोस्तों। वहीं आज के दिन देखेंगे कि कितने परसेंट लोगों ने इस स्टॉक को खरीदा था। यहाँ पर हमें 40% से अधिक देखने को मिल रहा है कि लोगों ने इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया है। वहीं में देखेंगे यहाँ पे कंफर्म कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात, यहाँ पे हमें जून क्वार्टर का रिजल्ट ही अपडेट है जो कि यहाँ पे नेगेटिव में शो हो रहा है। वहीं अभी इस साल कुछ भी कंपनी ने डिविडेंड अभी अनाउंस नहीं किया या दिया भी अभी है नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं कि आप प्रमोटर का सेल प्लेस भी है तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें देखने को मिला था, यहाँ पे भी सेम फिगर हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर का जो शेयर है ना लगभग 100% का अराउंड में यहाँ पे गिरी हुई है। लेकिन अगर इसमें बात करें शॉर्ट टर्म के लिए तो मुझे जहाँ तक लग रहा है शॉर्ट टर्म में आपको ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा मिल सकता है इस स्टॉक में। तो आप प्लीज़ इसमें अगर थोड़ा बहुत खरीदारी करते हो तो आपको ज़बरदस्त तरीके से मुनाफा मिल सकता है आने वाले दिनों में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा जो भी लेटेस्ट वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।